तो गाइस देखिए हम आज ब्रेक की ओवरसी के लेकर जा रहे हैं कलकत्ता ब्रैकपुर, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का एक वाइफो है, गाँव का जो रेशन डीलर है उसका बेटा है उत्तम दा, उसको लेकर जा रहे हैं। देखिए हम लोग अभी चापाडंगा पार हुआ है, यहाँ पर जा रहे हैं। थोड़ा इधर बहुत बारिश हो रहा है रोड में, तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा रुका हो क्योंकि पानी लेने के लिए, क्योंकि पेट्रोल पंप में बहुत अच्छा पानी देता है, पूरा चिल्ड वाला पानी मिलता है और सब बाथरूम वगैरह सब कुछ व्यवस्था है, इसलिए हमें यहाँ पर रुका हो। तो उन लोग को भी देखा दिया कि दूसरा दिन किसी और किसी आई है तो इन लोग भी कम आएगा, इसलिए इन लोग को हम दिखा दिया। तो हम पहुँच गए, देखिए रामकृष्ण मिशन है, आज हम आया कलकत्ता बैरकपुर का रामकृष्ण, जहाँ पर सिक्योरिटी आदमी बैठा है, वहाँ पर मेन गेट है, यहाँ का बड़ा भाई का बेटा रहता है, तो उसका शरीर खराब है इसलिए उसको लाने गाड़ी में बैठा है। अभी पार्किंग के कहीं पर रुका नहीं हम लोग का, 6 घंटे टाइम लगा क्योंकि 12:30 बजे हम लोग निकले। वहाँ से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जो है सखट रोड में आया और 240 किलोमीटर रास्ता हुआ, तो कहीं नहीं रुका, इसलिए रुके बुरा पसीना निकल रहा है क्योंकि एसी नहीं चला है, बीच बीच में बारिश मिला था रोड में इसीलिए। तो यहाँ पर फिर से आदित्य लेकर गया रखा था पुरुलिया, वो मेरा गांव का पास पे आशीष की बोलदारी दुकान है, उसका माल लेने के लिए। तो थोड़ा लेट हुआ इसने, हम लोग का रात हो गया लेट लोड करने के लिए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, पास है 50 किलोमीटर, इसलिए हम लोग आराम से आएगा। तो यहीं लोडिंग का पोजीशन है, यहाँ पर हम बहुत बार गया है, तो हम लोग का लगता है लोड होगा, इसके बाद नहीं क्या लगेगा। तो देखिए फिर से हम यहाँ कलकत्ता पहुँच गया, तो यहाँ पर जो मेरा इसमें जा रहे बाएं तरफ वो असीम है, इसका मिलिट्री लाइन में बहुत पसंद है। तो देखिए हम आसपास पहुँच गया डानलॉब एरिया, एंड डानलॉब से हम आएगा दक्षिणेश्वर रोड में, यहाँ पर सिग्नल का बहुत जाम होता है, इसलिए यहाँ पर मैं 10 मिनट के ऊपर खड़ा हुआ, इसलिए यहाँ का थोड़ा वीडियो लगा। यहाँ से पास में एक ट्रेंड्स मॉल है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए उसको फोटेज कर लिए। अभी पहुँच गए, देखिए हम लोग को आरम्भक रूप से बना हुआ था रिसोर्ट, इस रोड का आरम्भक टू जोधपुर बिजनपुर रोड का नंबर 1 रिसोर्ट है, कलकत्ता और बाहर बाहर का आदमी बहुत रुकता है। यहाँ पर होल्डिंग का भी पोजीशन है, तो यहाँ पर देखिए फिर से आदित्य माल खाली कर कर उस दिन बहुत गाड़ी थोड़ा गंदा होता है, इसलिए साफ कर रहा है कैसे, उसको हम बोला भी था जो अच्छा से साफ करना, क्योंकि डाला में बहुत कुछ रहता है, तो मेरा सब्जी गाड़ी है उससे पहले का तो लोड मोड देने वाला बहुत हम लोग को ख़राब पड़ गई, इसलिए पूरा सफाई कर रहा हो, बहुत मेहनत वाला लड़का है। देखिए वो अकेला नहीं थे, उसके साथ 2-3 कोई था, इसलिए वीडियो किया और गाड़ी भी धोने का अच्छा उसको मौका मिला, इसलिए अच्छा से पूरा साफ कर रहा है। देखिए तो दूसरा दिन हम आया ऑटो पे लेकर, मेरा एक भैया पास का गांव तेंतला गांव का, उसका बेटी का थोड़ा शरीर ख़राब था, इसलिए उसको लेकर आया था मेडिकल के लिए साक्षी। तो आने के टाइम हम लोग का बामनी लोग का जगह है पटमदा के पहले, तो बहुत अच्छा होटल है, दत्ता अंकल का होटल है, तो हम इसको छोटा से जानते हैं, इसका एक छोटा होटल था रेस्टोरेंट, और अभी 3 बड़ा बड़ा बिल्डिंग कर पूरा बड़ा बना दिया, और खाना भी अच्छा देता है, इसलिए बहुत गाड़ी रुकता है यहाँ पर। और यहाँ का फेमस है देखिए अचार, यहाँ का बहुत तरह अचार मिलेगा इधर तो।